अगर आप डोरेमोन या शिनचैन देखना पसंद करते हो तो आप लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर डोरेमोन की पॉकेट में ऐसा क्या है कि उसकी पॉकेट में इतने सारे गैजेट्स आ जाते हैं। और आप लोगों में से कई लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि डोरेमोन तो एक रोबोट है, तो आखिर वो खाना कैसे खाता है और आखिर डोरेमोन टॉयलेट जाता भी है या नहीं। और आज की इस वीडियो में आपको बड़े शिनचैन का फेस दिखने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। हम सबको पता है कि डोरेमोन एक रोबोट है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर डोरेमोन एक रोबोट है तो आखिर वो खाना क्यों खाता है। तो आप लोग जान लो कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी का एक एडवांस्ड रोबोट है और उसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर वो कुछ भी खाता है तो वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे डोरेमोन को एनर्जी मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डोरेमोन टॉयलेट जाता है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डोरेमोन जो भी खाता है वो पूरा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता है, इसलिए डोरेमोन टॉयलेट नहीं जाता है। गैस, वैसे तो हमें शिनचैन की विलन और दुल्हन वाली मूवी में बड़े शिनचैन को दिखाया जा चुका है, लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखाया गया था। लेकिन शिनचैन के एक स्पेशल एपिसोड में हमें 60-70 साल के बूढ़े शिनचैन को दिखाया जा चुका है, जिसमें बूढ़े शिनचैन कजामा बू और मसाओ अपने पास्ट में आए थे अपने बचपन को फिर से जीने के लिए। और उस एपिसोड में शिनचैन की हरकतें वैसी ही थी जैसे 5 साल के शिनचैन की हैं, कोई भी चेंज नहीं था। शिनचैन में ही नहीं बल्कि डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें बड़े नोबिता को दिखाया जा चुका है और उस एपिसोड में वो बताता है कि उसके बेटे नोबिसुके की शादी हो चुकी है और वो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए आया था। गाइस, शायद आपको नहीं पता होगा कि डोरेमोन के पुराने एनिमेशन के फर्स्ट एपिसोड में हमें ये बच्चा सारे मेन कैरेक्टर्स के साथ दिखाया गया था, मानो ये भी एक मेन कैरेक्टर हो। लेकिन बाद के एपिसोड्स में इसे दिखाना बंद कर दिया गया और उसके बाद इस लड़के को कभी भी किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। आपने डोरेमोन देखते हुए कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर डोरेमोन अपनी पॉकेट में इतने सारे गैजेट्स कैसे रख लेता है। तो गाइस, इसका आंसर है 4D साइंस। दोस्तों, डोरेमोन की पॉकेट एक 4D पॉकेट है। अब इस 4D को समझने के लिए आपको चलना होगा साइंस की दुनिया में और मेरे साथ इस 4D के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा। गाइस, अगर आप किसी पेपर पर एक डॉट या पॉइंट बनाओगे तो उसे हम कहेंगे 0D या 0D डायग्राम, और जब आप डॉट्स की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो उसे हम कहेंगे 1D। फिर हम कुछ की मदद से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसे हम कहेंगे 2D या 2D डायग्राम, और जब हम 3D की बात करेंगे तो 3D में वो चीजें आती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे आप, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, नोटबुक्स और बहुत सारी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हो। सीधी भाषा में कहूँ तो आपके आसपास सारी चीजें 3D हैं। जैसे आपने 0D, 1D, 2D और 3D के बारे में जाना, वैसे ही एक डायमेंशन होता है 4D। अब जैसे आप 1D फिगर में कितने भी 0D फिगर्स को बना सकते हो और 2D फिगर्स में कितने भी 1D फिगर्स को बना सकते हो और 3D ऑब्जेक्ट पर कितने भी 2D फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो, वैसे ही 4D स्पेस में आप कितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि गैजेट्स 3D होते हैं, इसलिए डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट में कितने भी गैजेट्स को रख सकता है। गैस, शायद आपको नहीं पता होगा कि निंजा हथौड़ी में इंडियन रेफरेंसेस भी देखने को मिल चुके हैं। एक बार गलती से हमारा इंडिया पहुंच जाता है ताजमहल के पास और इंडिया के लोग उससे नमस्ते करते हैं और हमारा भी उनसे नमस्ते करता है। और एक एपिसोड में हमें इंडियन निंजा भी दिखाया गया था जो इंडिया से हथौड़ी से लड़ने के लिए आया था और गैजेट्स का इस्तेमाल करके हथौड़ी पर हमला करता है। गैस, आप लोगों के लिए एक मजेदार सा फैक्ट, अगर आप डोरेमोन की हाइट, वेट और कमर की चौड़ाई नापोगे तो वो सेम बैठेगा। डोरेमोन की हाइट है 129.3 सेंटीमीटर, उसकी कमर की चौड़ाई भी है 129.3 सेंटीमीटर, उसका वजन है 129.3 केजी, उसके पैर का डायमीटर और उसके हाथ का सर्कमफेरेंस है 129.3 मिलीमीटर, और उसमें पावर है 129.3 हॉर्स पावर की। और इतना ही नहीं, डोरेमोन की उछलने की कैपेसिटी 129.3 सेंटीमीटर है, और जब वो चूहे को देख लेता है तो उसके भागने की टॉप स्पीड 129.3 किलोमीटर पर आवर की है, इसलिए हम 129.3 को डोरेमोन का लकी नंबर भी कह सकते हैं। गैस, आप लोग जान लो कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब डोरेमोन की हाइट नोबिता से भी ज्यादा दिखाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे एनिमेशन क्वालिटी सुधरती चली गई वैसे वैसे डोरेमोन की हाइट भी नोबिता से छोटी होती चली गई। गैस, हमें आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो, ये भी बड़ी कमाल की वीडियोस हैं।